Okay, now we need to see the mode of action of local anesthetics. हमने एंटी एपिलेप्टिक्स या एंटी सीजर ड्रग्स का मोड ऑफ एक्शन पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि वो वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल को ब्लॉक करके, स्पेशली रिपीटेटिव फायरिंग वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करके अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं. और लोकल एनेस्थेटिक्स भी सेम एक्शन है. तो व्हाट दे रियली डू इज़ दे ब्लॉक द वोल्टेज डिपेंडेंट सोडियम चैनल्स, जिसकी वजह से दे रिड्यूस द इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, प्रिवेंट्स द डिपोलराइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड ब्लॉक्स द कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो इट इज़ प्रीटी सिंपल, राइट, दैट दे सिंपली block the voltage dependent sodium channel due to which the influx of sodium ions get reduced, prevents the depolarization of the membrane and blocks the conduction of action potential. If depolarization नहीं होगी तो action potential भी proceed नहीं करेगा. तो that's very simple role. और anti seizure drugs का भी यही role होता है. अच्छा, एक चीज़ ये कि जो local anesthetics होते हैं, इनका structure देखा जाए तो they are composed of three main parts. एक इनमें लिपोफिलिक कंपोनेंट होता है जो एरोमेटिक होता है, एक इसमें हाइड्रोफिलिक कंपोनेंट होता है जो टर्शरी अमीन से बना होता है, और एक इसमें इन दोनों के बीच में बॉन्ड होता है विच कैन बी एन एस्टर बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड. और इसी की बेस पर हम इसको लोकल एनेस्थेटिक्स को क्लासीफाई भी करते हैं, दैट दे कैन बी इधर एस्टर्स और दे कैन बी इधर अमाइड्स. ठीक है, जो कि हम क्लासिफिकेशन देख चुके हैं लास्ट वीडियो में. हम ये देखते हैं कि जो इसकी नॉन चार्ज फॉर्म होती है, फॉर एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द लोकल एनेस्थेटिक्स आर वीक बेसिस, वो उनका पीकेए बेसिक होता है. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट बेंजोकेन, तो इट इज़ अ लोकल एनेस्थेटिक विच इज़ हैविंग अ एसिडिक प्रॉपर्टी, और ये एसिडिक होता है, इसका पीके 3 to 3.5 के बीच में होता है. तो अगर हम ये कहें कि लोकल एनेस्थेटिक्स मोस्टली बेसिस होते हैं, तो वी नीड टू कीप दैम इन अ नॉन आयनाइज्ड फॉर्म और अन आयनाइज्ड फॉर्म. वो इसलिए क्योंकि दे हैव अ बेटर सॉलिबिलिटी, they have a better tendency to get through the membranes when they are in a non-ionized form. और यहाँ भी लिखा है कि non-charge form enters the cells effectively. तो हमें चाहेंगे कि they do not get in an ionized form so that they get into the cells effectively, ताकि जितना cells के अंदर enter होंगे उतना ही वहाँ पे role play करेंगे, right? तो लेकिन once inside the cell, the charged form gets more effective. मतलब जो उसका inside पे रोल है सोडियम चैनल को ब्लॉक करने का, that is more effective when the drug is in an ionized form. तो हम ये कहते हैं कि we need the local anesthetic, such local anesthetic जो कि सेल से बाहर तो unionized हो, लेकिन जैसे सेल के अंदर एंट्री ले ले, it turns into an ionized form. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि both the forms cause effect, ionized as well as unionized. ठीक है, अच्छा, इसलिए हम कहते हैं कि जिन टिश्यूज़ में पीएच कम हुई होती है या एसिडिक पीएच होती है, लाइक इन्फेक्शियस टिश्यूज़ में ऐसा होता है, उसमें लोकल एनेस्थेटिक का एक्शन इतना पोटेंट नहीं होता, क्योंकि उसमें मोस्टली आयनाइज्ड फॉर्म एग्जिस्ट कर रहा होता है और सेल्स में पेनिट्रेट ही नहीं कर सकता. ये रीज़न होती है इन्फेक्शंस में लोकल एनेस्थेटिक की फेलियर की, राइट. अच्छा, बेंजोकेन की बात की जाए तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये हम सरफेस लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ करते हैं, पीडियाट्रिक्स में मोस्टली यूज़ होता है, और मेथीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन इसकी टॉक्सिसिटी है बेंजोकेन की. ठीक है, अच्छा, हमें कहते हैं कि जो लोकल एनेस्थेटिक है और इसका जो ज़्यादा एक्शन होता है वो एक्टिव सोडियम चैनल्स पर या एक्टिवेटेड सोडियम चैनल्स पर होता है, जब वो डिपोलराइजेशन के फेज़ में होते हैं. ठीक है, तो दे हैव अ लेस एफिनिटी फॉर रेस्टिंग स्टेट. रेस्टिंग स्टेट पर उसकी इतनी एफिनिटी नहीं होती. ये उन चैनल्स को ज़्यादा ब्लॉक करता है, उन फाइबर्स को ज़्यादा ब्लॉक करता है विच आर हाई फ्रीक्वेंसी फायरिंग, जो ज़्यादा फायरिंग कर रहे होते हैं, जस्ट लाइक द एंटी सीजर ड्रग्स, राइट. एंड द यूज द एंड लोकल एनेस्थेटिक्स फॉलो द रूल ऑफ यूज डिपेंडेंस एंड वोल्टेज डिपेंडेंस. अब इसका क्या मतलब है, यूज डिपेंडेंस या इसको फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंस भी कहते हैं. तो जो फाइबर ज़्यादा तेज़ फायरिंग कर रहे होते हैं, जिनका एक्शन पोटेंशियल ज़्यादा हाई होता है, ज़्यादा रिपीटेटिव होता है, उनको वो ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं टू बी ब्लॉक्ड बाय लोकल एनेस्थेटिक्स. और वोल्टेज डिपेंडेंस की बात है कि जो फाइबर्स डिपोलराइज्ड स्टेट में होते हैं, जिनका डिपोलराइज्ड पोटेंशियल होता है या डिपोलराइज्ड वोल्टेज होता है, उन पर ज़्यादा एक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स. उसका यूज डिपेंडेंट और वोल्टेज डिपेंडेंट एक्शन है. ठीक है, हमने कहा कि जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं, दे इंक्रीज द थ्रेशोल्ड फॉर एक्साइटेशन, दे स्लो डाउन द इम्पल्स कंडक्शन, दे डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्शन पोटेंशियल एंड दे डिक्रीज द रेट ऑफ राइज ऑफ एक्शन पोटेंशियल. तो ये चार इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं. थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं, इम्पल्स कंडक्शन को स्लो कर रहे हैं, एक्शन पोटेंशियल के एम्पलीट्यूड को कम कर रहे हैं, और रेट ऑफ राइज के पोटेंशियल को कम कर रहे हैं. ठीक है, तो ये है और सोडियम चैनल ब्लॉकर, इनका मोड ऑफ एक्शन, और वोल्टेज डिपेंडेंट और यूज डिपेंडेंट एक्शन इसका. कहा क्या एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होगा तो लोकल एनेस्थेटिक एक्टिविटी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, और अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में कैल्शियम ज़्यादा होगा तो, बिकॉज लोकल एनेस्थेटिक ने भी तो उस मसल फाइबर नर्व फाइबर को रिलैक्स ही करना ना, या उसको कंडक्शन से बचाना है. तो अगर एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में पोटेशियम ज़्यादा होगा तो इट विल परफॉर्म द सेम रोल, राइट. तो पोटेशियम आयन ज़्यादा होगा ECF में, तो दैट विल एनहांस द एक्टिविटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक, और कैल्शियम आयन ज़्यादा होंगे ECF में, तो दैट विल एंटागनाइज द एक्शन ऑफ अ लोकल एनेस्थेटिक। और जहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है वहाँ पर भी मैंने आपको बताया पीएच चेंजेस की वजह से जो एनेस्थेटिक एक्शन होता है वो इम्पेयर्ड होता है, ठीक है। तो जो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बोलें तो लोकल एनेस्थेटिक बेसिकली स्टेबलाइजेज द चैनल, द सोडियम चैनल इन इनएक्टिवेटेड स्टेट, वो इनएक्टिवेटेड स्टेट में बाइंड करता है चैनल के साथ और उसी फेज में उसको स्टेबलाइज कर देता है, उसको रीएक्टिवेटेड नहीं होने देता, इनएक्टिवेटेड स्टेज में उसको से ब्लॉक कर देता है, ठीक है। तो बस ये थोड़ा सा मोड ऑफ एक्शन था लोकल एनेस्थेटिक्स का। आई होप इट वॉज ईजी एंड आई ट्राई टू मेक इट ईजी।